राम राम दोस्तों, आज मैं इस सिंपल से टेबल फैन को कन्वर्ट करूंगी एसी में। अब आप चौंक जाओगे, हाँ बिल्कुल फ्रेंड, इसे एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, यानी कि इन प्लास्टिक की खाली बोतल से। बहुत अच्छी सी वीडियो है, बिल्कुल एसी की तरह आपको ठंडी हवा मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है इस तरह की खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और ये जो बोतल होती हैं हमारे घरों में इजीली मिल ही जाती हैं, तो वैसे भी गर्मियों का सीजन तो सभी के घरों में ये बोतल आती रहती हैं कोल्ड ड्रिंक की और खाली होती रहती हैं। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड, हमें करना है इनमें हॉल। हाँ जी, हॉल करना है। आप वीडियो को आराम से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। देखिए सभी के पास एसी वगैरह नहीं होती है या कूलर वगैरह भी नहीं होते हैं, जो मतलब के किराए के मकानों में रहते हैं तो उन्हें तो स्पेस की भी टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो इस चक्कर से ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद पाते हैं जैसे कूलर वगैरह। तो आप अपने नॉर्मल फ़ैन को ही, जो टेबल फ़ैन होता है, इसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोतल कट करनी है नीचे की तरफ से, लेकिन पूरी कट नहीं करनी है, थोड़ा सा पार्ट इसका जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो एक बोतल हमने कर ली है कट, और इसी तरीके से हम करेंगे दूसरी बोतल को भी कट। ये देखिएगा फ्रेंड, इस तरीके से बहुत अच्छा सा जुगाड़ है। देखिए कितना फ़ायदा आपका होने वाला है, आपको एक तो एसी नहीं खरीदनी पड़ेगी, कूलर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, और देखिए आपका जो मतलब बिजली बिल है ना, वो भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिजली बिल भी आता है, क्योंकि हवा के लिए हम कूलर एसी पंखा वगैरह चलाते रहते हैं। अब दोनों बोतलों को तो मैंने कर लिया है कट, अब करूँगी मैं इसमें हॉल। तो यहाँ पर मैंने पेचकस को गर्म कर लिया है और इसी से मैं कर लेती हूँ हॉल। तो हॉल इस तरीके से आपने भी कर लेने, यानी कि छोटे छोटे से हॉल आपने बना लेने हैं। ये देखिएगा, मैं आपको बना के भी दिखा रही हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से आपने ये बना लेने हैं दोनों बोतलों में। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक में बना के दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड। शायद ही ये जुगाड़ कभी आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है, हमें उसके रिजल्ट का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमने करना क्या है, इसमें हॉल कर लेने हैं। काफ़ी सारे हॉल मैं बना लेती हूँ यहाँ, लेकिन हाँ आपको ना ये जो माउथ वाला पार्ट है ना, 3 इंच के करीब छोड़ देना है, ताकि इसका जो मतलब के पानी वगैरह रहेगा ना, वो नीचे की तरफ मतलब गिरेगा नहीं, इसी में इकट्ठा होता रहेगा। बस ध्यान आपने धरना है, आपको बीच वाले पोर्शन में यहाँ पर देखिएगा ये हॉल करने हैं। ऊपर वाला पार्ट भी हमने कट कर दिया था मतलब ये, और ये जो बेस वाला है वो भी कट कर दिया, और माउथ वाला भी रहने देना है, इसमें हॉल नहीं करने हैं आपने। बस यहाँ पर बीच में ही आपने हॉल बना लेने हैं, इस तरीके से जैसे मैंने बना लिया। तो दोनों बोतल मैंने कर ली हैं रेडी फ्रेंड। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं, और कैसे इन बोतलों से हम ठंडी हवा लेने वाले हैं आज, वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने अपना टेबल फैन उठा लेना है, और इसमें ये बोतल हमें बांध देनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बोतल टाइट ही बांधनी है, ढीली नहीं बांधनी है आपने, क्योंकि ये जो ना पंखा जब चलता है तो बोतल हिल सकती है, अगर आप टाइट बांधेंगे तो बोतलें भी हिलेंगी नहीं। अब देखिएगा फ्रेंड, हमने ये बांध दी है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बांध लेंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा ये कपड़ा है मतलब जिससे हमने बांधी है डोरी, ये हम कट कर देंगे। ये लटका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान धरना है, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान धरना होता है फ्रेंड, तभी हम आराम से इसकी हवा ले पाएंगे, वो भी बेफिक्र होके। अब देखिए इस तरीके से हमने बांध लेनी है, ये जो कटा हुआ पार्ट था वो ऊपर की साइड में रहना चाहिए, और जो इसका माउथ वाला पार्ट है ढक्कन वाला, वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड में हम बोतल को इसे बांध लेते हैं। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, बोतलें सेट कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद फ्रेंड हम करेंगे क्या, हम फ्रिज से हम निकाल के लाएंगे बर्फ़, और बर्फ़ हम भर देंगे इन बोतलों के अंदर, जैसे मैं भर रही हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आपने दोनों बोतलों में ही बर्फ़ भर देना है, ये देखिएगा बहुत अच्छी सी ट्रिक है फ्रेंड, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको और सुकून मिलेगा, और इस कड़कड़ाती गर्मी में जब आप इस पंखे में बैठेंगे ना, आपको बहुत ही बढ़िया नींद भी आएगी और सुकून भी मिलेगा, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे से कुछ पॉइंट हैं ऐसे जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी, जिन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आप बेफिक्र होकर इसकी हवा ले पाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड, इस तरीके से हमने बर्फ़ के टुकड़े इन बोतलों के अंदर डालते जाना है। ये देखिए दोनों बोतलें आपने भर लेनी है, और ये जो बर्फ़ होता है ना, एकदम पिघलता नहीं है, बहुत टाइम तक चलता रहता है ये बर्फ़, ऐसा है ना, थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा ही इसमें भर दिया, ताकि एकदम से ये पिघले ना। और जब हम अपना फ़ैन चलाएंगे ना फ्रेंड, तो ये जो गर्म हवा होगी, जैसे गर्म हवा लुएं चलती हैं अभी, तो वो हवा जैसे इन बोतलों से टकराती हुई
अंदर की तरफ जाएंगे हमारे घर में, तो जो भी गर्म लू होंगी, हवा होंगी, वो इन में बोतलों में टकराएंगे और जिसमें छेद हमने किए थे, हॉल बनाए थे, उसके अंदर से पास होती हुई हवा को ठंडी करते हुए आपके रूम को बिल्कुल ठंडा कर देंगी। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैं बैठी हूँ पंखे में और वाकई बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मैं खुद ट्राई करना चाहती थी कि हाँ वाकई में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, लेकिन फ्रेंड यकीन मानिएगा जो हवा थी ना बहुत ठंडी हो चुकी थी। और आपको करना क्या है, इस पंखे को ना आप थोड़ा सा खिड़की की साइड ही रखिएगा। तो मैंने वीडियो बना रही थी, बाहर ही रख रखा है अभी, लेकिन खिड़की के पास में सेट कीजिएगा ताकि फ्रेंड बाहर की हवा जो घर में आए तो वो ठंडी होकर अंदर जाए। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, बाद में आपने करना क्या है, जब आपका ये बर्फ़ पिघल जाए तो आपको इसका पानी भी निकालना होता है। और देखिए कितने इजीली तरीके से आपने पानी निकाल लेना है। ये देखिए नीचे से ढक्कन खोलना है और जो भी पानी इसमें पड़ा है बोतल के अंदर जो बन चुका है बर्फ़ से, उसे निकाल देना है और दोबारा से बर्फ़ भर लेना है। तो अभी तो मैंने चलाया था थोड़ी सी देर पंखा, थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर निकलेगा फ्रेंड, लेकिन जैसे ही आप चलाते रहेंगे पंखे को, जब तक भी बर्फ़ रहेगा पिघल नहीं जाता है तब तक पानी ज़्यादा नहीं निकलेगा इसमें से। तो इस तरीके से आपने ढक्कन खोल कर भी पानी निकाल लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।